हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिमरजीत और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे किचन में कुक विद सिमरजीत। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेहद ही स्वादिष्ट बेसन की कुरकुरी क्रंची बर्फी। बहुत ही स्वादिष्ट और सबको पसंद आने वाली मिठाई है ये, इसलिए इसे ध्यान से देखें मैं किस तरह बनाती हूँ। एक कटोरी बेसन लिया है मैंने, 200 ग्राम घी लिया है मैंने 150 ग्राम के लगभग, और एक छोटी कटोरी में मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं जिसको मैंने भून लिया है अच्छी तरह से। उसे भून लेना ज़रूरी है, इसी से क्रंची बर्फी बनेगी। और चीनी ली है एक कटोरी 150 ग्राम के लगभग। थोड़ा सा इसमें दूध लगेगा, वो मेरी ट्रिक है, देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, अब मैं इसमें घी डाल दूं, थोड़ा सा घी रख लेती हूँ। 150 ग्राम लगभग घी होगा, घी डाल दिया मैंने। घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें बेसन डाल देना है। सारा खेल बेसन भूनने का है, एकदम मीडियम लो आंच रखनी है हमेशा। अब बेसन को धीरे धीरे भूनते जाना है। कम आँच में भूनने से ये होता है कि उसका कच्चापन दूर हो जाता है, अच्छी तरह से भून जाता है। सिर्फ टाइम बहुत लगता है, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा इतना बेसन भूनने में हमें। पहले तो वो बेसन लगेगा कि सूखा सूखा है, घी बहुत कम है, लेकिन जैसे वो भूनता जाएगा वैसे ही वो अपना घी छोड़ना शुरू कर देगा। देखिए धीरे धीरे वो गीला नज़र आ रहा है ना, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा ज़रूर लग जाएगा बेसन भूनने में। आँच को एकदम एकदम लो मीडियम करके ही बनाना है। देखिए बेसन भूनना ही सबसे बड़ी टेक्निक है इसमें। देखिए इसका कलर कितना सुंदर सुनहरा सुनहरा आ गया है। देखिए इस स्टेज में मैं इसमें 2-3 चम्मच दूध डालूंगी। इस दूध डालने का क्या कारण है कि इससे ये दानेदार जैसा बन जाता है। बेसन की जो बर्फी बनती है उसमें दाना दाना आने लगता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। ये एक मेरी टिप्स है। इस स्टेज में इसमें डाल दिया मैंने, उसके बाद उसको अच्छी तरह से भून लिया। देखिए कितना सुंदर कलर आया है बेसन का, एकदम सुनहरा सुनहरा। अच्छा उसमें मैंने खरबूजे के बीज भी डाल दिए तो पूरी तरह से उसमें क्रंची क्रंचीपन आएगा इसके साथ। अब मैं इसे उतार के रख देती हूँ। अब बनानी है चाशनी। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, उसमें वो जो एक कटोरी चीनी थी उतना ही पानी उसमें डालना है। सब चाशनी बनाने से डरते हैं, लेकिन चाशनी जब समझ में आ जाएगी तो बहुत इजी लगेगा। इसमें इलायची कूट के मैंने डाल दी है, बस इसको पकाते जाना पकाते जाना, चेक करते रहें। एक तार से ज़्यादा नहीं बनानी है। देखिए अभी नहीं बनी है, अभी नहीं बनी है, अभी इसको और चलाना है, क्योंकि कम हो तो भी प्रॉब्लम है, गीली रह जाएगी बर्फी, और ज़्यादा हो तो बहुत बहुत हार्ड हो जाती है। देखिए एक तार अब बन गया, बस इतना ही चाहिए हमें। एक तार की चाशनी, एक तार की चाशनी हो गई। अब इसे मैं बेसन में मिला दे रही हूँ पूरी चाशनी को, और बेसन को अच्छी तरह से मिला के पहले से मैंने प्लेट में घी लगा दिया है, अब उसी प्लेट में इसे उलट दूंगी। एक तार से कम होगी तो थोड़ा गीला बनेगा, और एक तार के लगभग होगी, एक तार से ज़्यादा हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अगर जिसको डर लगता है चाशनी बनाने में, कोई बड़ा मेथड नहीं है, आराम से बन जाती है। देखिए अब उसमें मैंने डाल दिया प्लेट में जिसमें मैंने घी लगा के रखा था, उसमें फैला दिया, अच्छी तरह से उसको फैला देना है। इसके ऊपर ऊपर और डालने हैं खरबूजे के बीज तो डाल सकते हैं अपनी मर्जी, नहीं भी डालेंगे तो अंदर डाला हुआ है तो वो करंची करंची लगेगा। अब इसको मैं ठंडा होने दूंगी 3-4 घंटे के लिए। ठंडा हो गया, अब इसको मैंने पीसेस में काट लिया। देखिए कितनी मस्त बर्फी बन के तैयार हुई है। इसका स्वाद तो जब आप बना के खाओगे तो मुझे कमेंट करने से नहीं रहोगे, आप कहोगे कि कितने अच्छे तरीके से बताया आपने।
देखिए, और एकदम सॉफ्ट, ना तो गीली बनी है ना तो सूखी बनी है, देखिए कितनी सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट, आराम से टूट जा रही है, और खाने में एकदम करंची। मेरी पूरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई रेसिपी के साथ। मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।